हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं जो लेक्चर लेके आया हूँ आपके लिए उसका टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बैक ईएमएफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और काफी कंफ्यूजिंग है, कई लोगों को इसमें डाउट रह जाता है। ठीक है, तो इसको जल्दी से हम लोग देखेंगे कि क्या बैक ईएमएफ होता है। तो जल्दी देख लेते हैं इस लेक्चर में क्या क्या सीखने को मिलेगा। अगर बात की जाए कोड्स टू डिकोड की, तो पहला है कि क्या बैक ईएमएफ जो होता है वो कैसे जनरेट होता है जनरेटर डीसी मोटर्स में। जो कि जनरेटेड वोल्टेज था यानी कि नॉर्मल ईएमएफ था जनरेटर केस में, लेकिन मोटर केस में वो कैसे बैक ईएमएफ हो जाता है इसको हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। सेकेंड जो चीज सीखेंगे कि क्या रिलेशन है बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट का, यानी कि जैसे कि जनरेटर में हमने देखा था कि जो जनरेटेड वोल्टेज था और करंट था उनके बीच में एक रिलेशन था, वो दोनों एक दूसरे सपोर्ट करते थे, तो बैक ईएमएफ क्या सपोर्ट करेगा आर्मेचर करंट को और किस तरीके से रोल प्ले करेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि बैक ईएमएफ जो है वो जो ईएमएफ है उसे, यानी कि जो मोटर के अंदर जो जनरेटेड ईएमएफ है फ्लक्स कटिंग एक्शन से और वी कैन से डेट फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन से, उसको हमने बैक ईएमएफ क्यों कहा, ठीक, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि बैक ईएमएफ की इंपॉर्टेंस क्या है प्लस उसका नाम बैक ईएमएफ क्यों पड़ा, इन सब चीजों को हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो जल्दी शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कैसे बैक ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक, तो उसके लिए अगर इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपके लिए मैग्नेट ले लेता हूँ। एक नॉर्मल जो मोटर का स्ट्रक्चर होता है कि मेरे पास अगर मान लेते हैं एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, और एक मेरे पास साउथ पोल है, एंड ये मेरे पास इस तरीके का एक रोटर है, और कंडक्टर अगर मार्क कर लें तो ये तीन कंडक्टर्स नॉर्थ पोल की तरफ ले लेता हूँ, तीन ले लेता हूँ मैं साउथ की तरफ। ठीक, अब देखते हैं जल्दी से। मैंने आपको बताया था अगर बात करूं मोटर की, और मोटर के केस में मैंने आपको बता रखा है मोटर के केस में कौन सा रूल लगता है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगता है। इसमें लेफ्ट हैंड रूल कब अप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने के लिए लेफ्ट हैंड रूल जब भी आप अप्लाई करेंगे तो उस केस में आपको इंड्यूस्ड करंट यानी कि नहीं निकालना होगा बल्कि आपको करंट दे रखा होगा। सेकंड, आपको फोर्स जो है ये आपको निकालना होगा, ठीक है, या फोर्स कह सकते हैं या फिर इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। यही चीज निकालने के लिए मैं लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक, और तीसरी चीज जो होती है वो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, ये आपको दे रखा होगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस केस में मुझे दे रखा है। करंट की बात करें तो करंट मैंने सप्लाई कर रखा है, सप्लाई करंट दे रखा है इसके अंदर सप्लाई। तो मान के चलता हूँ, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे क्रॉस दी हुई है, ठीक है, और इस केस में यहाँ पे डॉट है। ठीक है, तो देखो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता है तुम्हें, यानी कि आपको फर्स्ट फिंगर पता है, डायरेक्शन ऑफ करंट पता है सप्लाई करंट जो कि क्या इनवर्ड है यानी कि आपको मिडिल फिंगर पता है, तो अगर डायरेक्शन ऑफ थंब जो होगी वो क्या होता है, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करने लगता है। अगर थंब की डायरेक्शन निकालोगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगी यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ निकालोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक टॉर्क बन जाता है और मोटर जो होगी वो, मोटर का जो रोटर है वो इस तरीके से रोटेट होने लगेगा। ठीक, अभी तक का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ये मैं वैसे इसके ऊपर एक लेक्चर बना चुका हूँ कि हाउ मोटर वर्क्स, डीसी मोटर किस तरीके से काम करती है, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसी के आगे कि यहाँ तक की जो पिक्चर थी ये क्लियर है, लेकिन अभी तक इस पिक्चर में ईएमएफ नहीं आया, यानी कि ईएमएफ जनरेटेड कितना होगा वो नहीं आया, वो कब आता है। तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से देखना। हमने क्या करा, रोटर में कंडक्टर्स ले लिए, मैग्नेटिक फील्ड ले ली, और करंट जब दिया तो मोटर रोटेट करने लगी। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज भूल गए कि जब भी फैराडे, जो फैराडे थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था जब भी कभी कोई कंडक्टर फ्लक्स कटिंग एक्शन में यानी फ्लक्स को कट करेगा या फ्लक्स के अंदर रोटेट करेगा और उसको कट करते हुए पास होगा तो उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा जिसको हमने नाम दिया था ईजी। यही वोल्टेज, ये जो जनरेटेड था ईएमएफ, यही तो हम लोग जनरेटर में लेते थे जिसको हम लोग जनरेटेड वोल्टेज बोलते थे। सेम ये जो ईएमएफ जो जनरेट होता है, ठीक, इसकी पोलैरिटी कैसे डिसाइड होती है, इसकी पोलैरिटी डिसाइड होती है फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से। बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से। तो जब तुम फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाओगे इस केस के अंदर, जहां पे अब इस केस में तुम्हें क्या करना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की क्या क्या चीजें गिवन होनी चाहिए, एक फ्लक्स पता होना चाहिए और एक डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पता होनी चाहिए। तो देखो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन तुम्हें पता है, फ्लक्स पता है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इसके अंदर जरा वो यहाँ राइट हैंड रूल से लगाओगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ इस कंडक्टर में यानी कि इस साइड में निकल के आएगा डॉट, ये डॉट ईएमएफ आएगा, और इस केस में क्या आएगा, क्रॉस ईएमएफ आएगा, क्रॉस। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बड़े ध्यान से देखना इस चीज को। देखो यहाँ पे तुमने जो जनरेट करा था यानी कि जो सप्लाई करंट था वो क्रॉस था, ठीक, और यहाँ डॉट था, जबकि जो जनरेटेड वोल्टेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, डॉट एंड क्रॉस, यानी कि जस्ट अपोजिट पोलैरिटी का। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे जस्ट अपोजिट पोलैरिटी का आ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो तुमने करंट सप्लाई किया है और मोटर जो रोटेट हो रही है वो लेफ्ट हैंड रूल से हो रही है, जबकि जो ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो राइट हैंड रूल से जनरेट हो रहा है फ्लेमिंग से। ठीक, तो ईजी जो जनरेट हो रहा है, ईजी वो हो रहा है तुम्हारा राइट हैंड फ्लेमिंग से, राइट हैंड रूल से, राइट रूल से, और जो रोटेशन है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है मोटर का, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यानी फोर्स की डायरेक्शन है, वो हो रहा है लेफ्ट हैंड रूल से। तो इसलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जनरेट होते हैं।
और ऐसे केस में क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज है यानी कि इंड्यूस्ड वोल्टेज, वो हमारा अपोज करने लगता है। ठीक, तो देखो मैंने जो ईएमएफ जो यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होगा ई, वो क्या करेगा, वो अपोज करेगा, अपोजिट पोलैरिटी का होगा, यानी कि अपोज करेगा किसे, आई सप्लाई को। बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसीलिए इसको अगर मैं इसका ये जो, क्योंकि ये वोल्टेज जो बन रहा है वो ईवी सॉरी ई जो है जो जनरेट हो रहा है फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से। ठीक, ये किससे जनरेट हो रहा है, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से। और आई सप्लाई यानी कि मोटर जो रोटेट हो रही, मोटर के जो रोटेशन हो रहा है वो हो रहा है फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। इसीलिए दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं यानी कि जो जनरेटेड वोल्टेज है वो अपोज कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बैक ईएमएफ। बहुत इंपॉर्टेंट, बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं, तो इसका जो नाम पड़ा है बी, यानी कि जो बी लगा हुआ है इसके साथ, इसको यहां से नाम दिया जाता है बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ। और ये क्यों जनरेट हो रहा है, ये जनरेट हो रहा है, ये इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अपोज कर रहा है सप्लाई करंट को, ये सप्लाई करंट को अपोज कर रहा है। देखो यहाँ पे देख सकते हो कि जो वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज जो आ रहा है वो देखो अपोजिट पोलैरिटी का है, डॉट अक्रॉस। ठीक, तो आई होप जी समझ में आ गई होगी कैसे जनरेट होता है। अगर सर्किट की एनालिसिस कर ले जल्दी से, तो देखो जो तुम्हारा नॉर्मल डीसी जनरेटर था उसमें याद करो, डीसी जनरेटर के अंदर अगर ये आर्मेचर वाइंडिंग थी, ये तुम्हारा रोटर था, ठीक है, और यहाँ पे जनरेटेड वोल्टेज था ईजी, ईजी में पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से करंट जा रही थी आई, और वो करंट यहाँ पे मान लेते हैं शंट फील्ड शंट मोटर ले लेता हूँ, और यहाँ पे वो जो थी एक आई एफ यानी फील्ड वाइंडिंग टूट जा रही थी करंट, और कुछ करंट जो थी वो बाहर जा रही थी आईटी में, और आउटपुट में मिला था बीटी। तो देखो क्योंकि यहाँ पे जो जनरेटेड वोल्टेज है यानी कि ईजी, उसी की डायरेक्शन में करंट है आई ए, तो क्योंकि आर्मेचर करंट जनरेटेड वोल्टेज सेम पोलैरिटी के हैं, इसीलिए यहाँ पे जो वोल्टेज था उसको मैंने जनरेटेड वोल्टेज का नाम दिया। ठीक, जबकि मोटर की अगर बात कर ली जाए इसी केस में मोटर की, तो मोटर का जो सर्किट होता है, अगर मोटर का सर्किट यहीं पे जल्दी से ड्रॉ कर लें, शंट मशीन का सेम, तो देखो क्या होगा, ये आर्मेचर वाइंडिंग होगी, ये आपका रोटर हो गया, ठीक, ये हमारे पास आर्मेचर तैयार हो गया आर्मेचर, और ये होगी फील्ड वाइंडिंग, शंट मोटर की बात कर रहा हूँ। ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पे जो करंट, यहाँ पे मैं सप्लाई करता हूँ वी सप्लाई, और यहाँ से करंट आएगा आई सप्लाई, वो सप्लाई करंट दो पार्ट में टूटेगा, एक होगा आई फील्ड और एक होगा आई आर्मेचर करंट। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब देखो क्योंकि आर्मेचर करंट अभी मैंने यहाँ देखा था पुराने, जो मैंने अभी शुरुआत बताया था स्टार्टिंग लेक्चर के, कि देखो यहाँ पे ईजी यानी कि जो वोल्टेज जनरेट होगा फ्लक्स कटिंग एक्शन से, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा, और जो सप्लाई करंट एक दूसरे के अपोजिट है आर्मेचर के अंदर, तो देखो आर्मेचर के अंदर बनने वाला वोल्टेज ई और सप्लाई करंट देखो यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है, बहुत ध्यान से देखना, देखो ये ईबी के अपोजिट है। ठीक, क्योंकि दोनों अपोजिट है इसीलिए यहाँ पे ईबी लिखा जाता है बैक ईएमएफ। तो अगर इसका जो है इसका सर्किट बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा आईए, ठीक, अपोजिट में ईबी, देखो समझ में आ रहा है। तो देखो जनरेटर केस में ईबी ईजी यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो करंट है आर्मेचर का वो एक दूसरे के सपोर्ट में है, जबकि मोटर के अंदर क्या है, जो जनरेटेड वोल्टेज है यानी कि बैक ईएमएफ, और जो सप्लाई करंट है वो एक दूसरे के अपोजिट में है। यही सर्किट से आप एनालाइज करके बता सकते हो कि बैक ईएमएफ क्या होता है। आई होप जी समझ में आ गई होगी। इसीलिए सारे सर्किट जो मोटर के सर्किट्स होते हैं और जो जनरेटर सर्किट होते हैं उसमें यही मेन डिफरेंस काम करता है, यानी कि मेन डिफरेंस उसमें होता है। ठीक, ओके, अगर बात कर लें कैलकुलेशन की, कि भाई हमने ये देख लिया कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा मोटर के अंदर उसको मैंने ईबी कह दिया, ठीक है, और वो फेराडे के लॉ से इंड्यूस हो रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो फॉर्मूला सेम होता है, ईबी जो होता है वो इक्वल टू एनपी फाई जेड बाई 60A, ये इक्वल होता है एग्जैक्टली ईएमएफ जनरेटेड के, यानी कि जो जनरेटर में जो वोल्टेज था ईजी वो मोटर में भी होगा, और बस क्या अंतर क्या होगा, जो करंट की पोलैरिटी, इसके अंदर जो आई आर्मेचर करंट है वो सपोर्ट में होगी पोलैरिटी, सपोर्टिव पोलैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सपोर्टिव पोलैरिटी, ठीक है, जबकि जो इसके अंदर आईए होगा, आईए वो क्या होगी, वो रिवर्स पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है, रिवर्स पोलैरिटी, यानी कि जो मोटर के अंदर जो करंट होगा और बैक ईएमएफ ये दूसरे के अपोजिट में होंगे, जबकि जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर करंट होगा और जनरेटेड वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के सपोर्ट में होंगे। ठीक, बस इतना ही अंतर होता है, बाकी फॉर्मूला सेम होगा, रीजन सिंपल है, जब क्योंकि दोनों का रीजन एक ही है कि दोनों के अंदर फ्लक्स कटिंग एक्शन हो रहा है, फैराडे के लॉ से ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो इसीलिए एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट का वोल्टेज जनरेट होता है, चाहे जनरेटर ले लो चाहे मोटर ले लो। तो यानी कि अगर पूरी पिक्चर को मैं समराइज करूं, तो जब भी आप मार्केट से कोई मोटर खरीद के लाओगे, ठीक है, और उसके अंदर एक सप्लाई करंट दोगे, एक सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट दोगे, तो जब ये मोटर रोटेट होना शुरू करेगी, ठीक है, जब ये रोटेट करना शुरू करेगी यानी कि चलना शुरू कर देगी, तो इसके आर्मेचर के अंदर एक वोल्टेज आ जाएगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, जिसे मैं कहूंगा बैक ईएमएफ। ठीक, ये जो बैक ईएमएफ होगा ये इस सप्लाई वोल्टेज के अपोजिट में होगा, और ये क्या करेगा, अपोज करेगा किसका, इस सप्लाई करंट का, यानी कि आईएस का, या कह सकते हैं अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो आईए यानी कि आर्मेचर करंट को अपोज करेगा। क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगला टॉपिक चलते हैं।
इम्पोर्टेंस ऑफ बैक ईएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना कि बैक ईएमएफ की हमें क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों इतना जरूरी है बैक ईएमएफ किसी भी मोटर के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि दो केस ले रहा हूं, तो केस वन ले रहा हूं कि अगर मान लेते हैं किसी मोटर के अंदर, डीसी मोटर में, अगर किसी डीसी मोटर में मैंने क्या करा, बैक ईएमएफ को जीरो कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से देखना इसको, ये केस ले रहा हूं, प्रैक्टिकलिटी से दूर है, मैं अभी यहां पे केवल आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं। ठीक, तो अगर मान लेते हैं किसी भी तरीके से, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे ये जीरो हो जाता है, लेकिन मैं एक केवल ये ले रहा हूं कि बैक ईएमएफ जीरो हो गया है। अगर किसी डीसी मोटर बैक ईएमएफ जीरो हो गया तो जरा देखते हैं उसके आर्मेचर में कितना करंट जाएगा। ठीक, तो ये आर्मेचर वाइंडिंग थी, ठीक है, ये आर्मेचर था और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रखा था, वोल्टेज लगा रखा था वी सप्लाई, और ये जो था मान के चलते हैं अगर ये सीरीज में है, डीसी सीरीज मोटर है, तो ये आई ए हो गया। ठीक, अब देखो जल्दी से, यानी कि अगर वोल्टेज की बात कर ली जाए, करंट की सॉरी आईए की, आर्मेचर कितना करंट जाएगा, तो आर्मेचर में जो करंट जाएगा ईवी, वो जाएगा तुम्हारा वी सप्लाई जितनी करी है माइनस का ईवी डिवाइड बाई आर ए, सिंपल सा कैलकुलेशन है, यानी कि आर्मेचर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो सप्लाई वोल्टेज माइनस का बैक ईएमएफ और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। अब देखो अगर तुमने कंडक्टर जो कि हम लोग बहुत अच्छे एलिमेंट के बनाते हैं, ऐसे एलिमेंट से बनाते हैं जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लो होता है, तो हम क्या करते हैं इस रेजिस्टेंस को अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले लेता हूं मैं इसकी 0.1 ले लेता हूं, बहुत 0.1 भी ले सकते हो, एक्चुअल में इसकी वैल्यू 0.05 होती है अप्रोक्स, लेकिन मैं यहां पे थोड़ा सा बढ़ा के ले रहा हूं, 0.1 ले ले रहा हूं। ठीक है, और वी सप्लाई की अगर बात करें, अगर केवल मैंने 10 वोल्टेज अप्लाई किया है, ओनली 10 वोल्ट, ध्यान से देखना, यानी कि मैंने सप्लाई वोल्टेज ले लिया 10 वोल्ट और जो रेजिस्टेंस है आर्मेचर का, आर्मेचर कंडक्टर का, वो ले लिया 0.1 ओम। ठीक, अब जरा जल्दी से देखते हैं कि ऐसे में आर्मेचर में कितना करंट फ्लो करेगा, तो अगर इसकी बात कर ली जाए, ठीक है, तो आईए इक्वल टू, आईए जो यहाँ पे आईए आपका बराबर हो जाएगा 10 माइनस का ईबी, मैंने क्या लिया, बहुत इंपॉर्टेंट जो केस ले रहा हूँ, ईबी इक्वल टू जीरो ले लिया इस केस के लिए, केवल इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ, ईबी इक्वल टू जीरो है। ठीक, तो 10 माइनस का जीरो डिवाइड बाई 0.1, अब जरा इसको कैलकुलेट करो तो ये अप्रॉक्स निकल जाएगा 100 एम्पियर। देखो 100 एम्पियर करंट जो है वो आर्मेचर वाइंडिंग में फ्लो कर जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 100 एम्पियर करंट, ये कितना ज्यादा, बहुत ही हैवी करंट है, ऐसे में क्या हो जाएगा, इतना एम्पियर करंट तुम फ्लो कराओगे किसी डीसी मोटर में जो कि केवल 10 वोल्ट या 20 वोल्ट के लिए बनी है, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, मोटर क्या हो जाएगी तुम्हारी, मोटर डैमेज हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट, मोटर क्या होगी, डैमेज हो जाएगी। ठीक, यानी कि अगर आपने डीसी मोटर के अंदर बैक ईएमएफ को जीरो कर दिया, ठीक है, और ऐसे में आपने मोटर को रन कराया, तो वहां पे क्या होगी, मोटर डैमेज हो जाएगी। ठीक, मोटर आपकी वहां डैमेज हो जाएगी। अच्छा, अगर बात कर लीजिए ऐसा कब होता है, तो इसके लिए याद रखना, ऐसा यानी कि ईबी किसी भी मशीन के अंदर जीरो कब हो जाता है डीसी मशीन में, तो उसका आंसर स्टार्टिंग में, मोटर के स्टार्टिंग में, बहुत ध्यान से देखो, अगर तुम मोटर को स्टार्ट कर रहे हो, मोटर को स्टार्ट यानी कि स्टार्टिंग में क्या होगा, जो उसका आरपीएम होगा वो जीरो होगा। ठीक, और फॉर्मूला क्या था, बैक ईएमएफ का ईबी इक्वल टू NP5Z/60A। ठीक है, अगर एन को तुम जीरो कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी कि मोटर जब तुम स्टार्ट करते हो, यानी कि जब नई मार्केट से मोटर खरीद के लाओगे और बटन ऑन करोगे, ऐसे समय में बैक ईएमएफ जीरो होने का कारण क्या होगा, उसका जो करंट जो उसके अंदर इनरश करेगा, यानी कि जो सप्लाई आर्मेचर करंट है, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। इसी के लिए डीसी मशीन्स में स्टार्टर यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टार्टर्स यूज होते हैं डीसी मशीन्स में। तो डीसी मशीन में जो स्टार्टर का मेन पर्पस है वो क्या है, कि उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको लिमिट करना, कि वाइंडिंग आपकी डैमेज ना हो जाए, कॉयल आपकी जल ना जाए, मोटर आपकी शुरुआत, जैसे ही आपने बटन ऑन करा और अगर आपने स्टार्टर नहीं लगाया तो डीसी मशीन आपकी बंड आउट हो जाएगी। अच्छा, स्टार्टर कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से वो प्रोटेक्ट करते हैं मोटर को, इसके लिए आगे बहुत आगे के लेक्चर्स हैं ये, और इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे केवल आपको बैक ईएमएफ का सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ। तो जरा और ध्यान से चलते हैं आगे, ये हमने सीख लिया कि अगर बैक, पहला केस देख लिया कि अगर बैक ईएमएफ जीरो है तब क्या होगा, सेकंड केस की बात कर लेते हैं, अगर मान के चले बैक ईएमएफ जो है ईबी वो ग्रेटर हो जाता है सप्लाई वोल्टेज से, देन क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, अगर बैक ईएमएफ बड़ा हो जाता है तो इसके लिए देख लेते हैं, अगेन फॉर्मूला सेम है, आईए जो होगा वो वी सप्लाई माइनस का ईबी होता है डिवाइड बाई आर ए। अगर तुम्हारा बैक ईएमएफ ज्यादा है सप्लाई वोल्टेज से तो ऑब्वियस ही बात है आईए क्या हो जाएगा, आईए आपका नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब हो गया कि अगर मोटर में, नॉर्मली मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ होता है उसमें करंट इनवर्ट जा रही होती है और सप्लाई वोल्टेज से आ रही होती है, लेकिन अगर करंट नेगेटिव हो गया तो इसकी पोलैरिटी अपोजिट हो जाएगी, यानी कि अब क्या होगा, अब जो बैक ईएमएफ था वहां से करंट जो है वो निकलेगी और सप्लाई वोल्टेज की तरफ जाने लगेगी। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि करंट जो फ्लो करती है पोटेंशियल डिफरेंस पे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस रिवर्स कर दोगे तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। ऐसे केस में क्या होगा, ये कब होता है, ये होता है आपका जनरेटर में, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा होता है जनरेटर में, यानी कि अगर तुमने बैक ईएमएफ को वोल्टेज सोर्स यानी सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा कर दिया
तो आपकी जो मोटर है वो कैसे वर्क, वो जनरेटर की तरह वर्क करने लगेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये कि अगर आपने कैसे भी करके बैक ईएमएफ को बढ़ा दिया सप्लाई वोल्टेज से, तो ऐसे केस में मोटर तुम्हारी क्या बन जाएगी, जनरेटर बन जाएगी। ठीक, और ऐसा कब कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो हो गया कॉन्सेप्ट, पर ऐसा कर कब सकते हो, ऐसा हम लोग कर सकते हैं जब मैं क्या करूं, स्पीड को बढ़ा दूं, स्पीड को बढ़ा दूं जितनी एन मोटर जो है, यानी कि मोटर की जो स्पीड होनी चाहिए एक पर्टिकुलर वोल्टेज वीएस पे, अगर मैं उससे ज्यादा स्पीड राइज कर देता हूं, तो इन डेट केस तुम्हारा जो बैक ईएमएफ है वो क्या होगा, राइज अप हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए जब मैकेनिकल पावर इनपुट देनी पड़ेगी, मैकेनिकल पावर, और मैकेनिकल पावर क्या करेगी, इनपुट जब देंगे तो वो इलेक्ट्रिकल पावर एक्स्ट्रा जनरेट करेगी। और आपको पता होगा, मैंने बता रखा है मैकेनिकल पावर हम लोग किस मशीन में देते हैं, तो वो उसका आंसर होता है जनरेटर। यानी कि अगर तुम किसी मोटर को, अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ, ये जो बात कह रहा हूँ, अगर आप मार्केट से मोटर खरीद के लाए और उसको सप्लाई दे रहे थे वीएस, तो वो मोटर इतना वर्क कर रही थी, तुमने क्या करा, उसकी जो शाफ्ट है, यानी कि जिसपे तुमने जैसे आटे की चक्की में जो शाफ्ट होती है, उसकी जो शाफ्ट है उसको तुमने अगेन जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी उसे और तेजी से रोटेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि उसको तुमने उसकी स्पीड बढ़ा दी जितनी स्पीड वो चल रही थी। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो सप्लाई है वो क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, और ऐसे केस में जो जनरेटेड वोल्टेज है वो ग्रेटर हो जाएगा, देन सॉरी बैक वोल्टेज जो है वो ज्यादा हो जाएगा इंड्यूस वोल्टेज एज कम्पेयर टू द सप्लाई वोल्टेज। ठीक, और ऐसे केस में मोटर जो होगी वो तुम्हारी जनरेटर में तरह वर्क करने लगेगी। ठीक, तो जरा लास्ट केस देख लेते हैं, तीसरा केस, यानी कि कब किस केस में आपकी जो जनरेटर है वो मोटर की तरह, मोटर जो है वो मोटर की तरह वर्क करेगी। तो उसका सिंपल सा आंसर है, यानी कि मोटर जो है वो किसकी तरह वर्क करे, मोटर की तरह। ठीक है, तो उसका सिंपल सा आंसर क्या है, जब बैक ईएमएफ तुम्हारा कम होना चाहिए वी सप्लाई से और बड़ा होना चाहिए जीरो से। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अगर तुम्हें सेफ ऑपरेशन, यानी कि सेफ मोटर ऑपरेशन, सेफ मोटर ऑपरेशन, ठीक, यानी कि अगर तुम्हें मोटर को चलाना है, मोटर की तरह ही चलाना है और सेफली चलाना है, यानी कि बिना बर्न आउट करे, तो उसके लिए ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि तुम्हारा जो बैक ईएमएफ हो वो सप्लाई वोल्टेज से कम हो और जीरो से भी ज्यादा होना चाहिए, यानी कि जीरो ना हो। ठीक है, जीरो वाला केस जो होता है ये मैंने बता दिया स्टार्टिंग में होता है, इसके लिए स्टार्टर यूज करते हैं इसको मोटर बचाने के लिए। ठीक, तो ये वाला केस आपका आ गया, यानी कि मोटर जो होगी वो अगर आपको कभी भी अपनी मोटर जो है वो मोटर इतना चलानी है, तो ये वाला केस हमेशा याद रखना, इसको इस तरीके से ऑपरेट करेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो जल्दी से देख लेते हैं मैंने क्या क्या चीजें सिखाई आपको इस लेक्चर में, इसको जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने देखा कि कैसे बैक ईएमएफ जनरेट होता है, इसका मैंने एग्जांपल आपको बता दिया कि मोटर को रोटेट, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आप फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से निकालोगे, वहां से आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। जब एक बार रोटर रोटेट होने लगेगा तो फ्लक्स के अंदर, फ्लक्स कंडक्टर के अंदर फ्लक्स कटिंग एक्शन आ जाएगा, और ऐसे केस में क्या होगा, फैराडे पिक्चर में आ जाएंगे, वो कहेंगे जब फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा तो ईएमएफ होगा, और ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये कैसे निकालेंगे, तो ये हम लोग फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से निकालेंगे। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से जब तुमने ईएमएफ निकाला तो वो अपोजिट आया सप्लाई करंट के, यानी सप्लाई करंट अगर क्रॉस में थी तो ये डॉट, और डॉट है तो क्रॉस में आ जाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा, क्योंकि ई जो होगा वो अपोज करेगा सप्लाई करंट को, इसीलिए इसका नाम पड़ा बैक ईएमएफ। क्लियर हो गया, सर्किट की तरह हमने देखा, सर्किट एनालिसिस करी, तो मैंने देख लिया कि अगर जनरेटर होता तो ईजी और आईए सपोर्ट में होते, मोटर है तो ईजी आईए एक दूसरे के अपोज में होंगे। कैलकुलेशन करके देख ली, कैलकुलेशन हमने देखा कि एकदम एग्जैक्टली सिमिलर है, यानी कि बैक ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा जनरेटेड वोल्टेज के, फॉर्मूला भी सेम है, एनवी 500/60 है। उसके आगे मैंने देखा कि इंपॉर्टेंस क्या है बैक ईएमएफ की, तो यहाँ मैंने दो केस बताए, पहला केस बताया जब बैक ईएमएफ जीरो होता है, ऐसा कब होता है ये भी मैंने बता दिया, जब हम मोटर को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग केस में क्योंकि स्पीड जीरो होती है तो बैक ईएमएफ भी जीरो होता है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे हमने ये देखा, और करंट हमने देखा अगर बैक ईएमएफ जीरो होगा तो उस समय करंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी, 10, यहाँ पे एग्जांपल मैंने बताया कि 10 वोल्ट की अगर मोटर लोगे तब भी उसके अंदर 100 एम्पीयर करंट फ्लो कर जाएगा अगर तुमने बैक ईएमएफ को जीरो कर रखा है। ठीक है, तो ऐसे कैसे मोटर डैमेज हो जाएगी, इससे बचाने के लिए हम स्टार्टर यूज करेंगे जिसके ऊपर मैं आने वाले समय लेक्चर बनाऊंगा। देन मैंने देखा कि सेकंड केस देखा, अगर मान लेते हैं जो बैक ईएमएफ है वो ज्यादा हो जाता है सप्लाई वोल्टेज से, ऐसा जब होगा तो मोटर तुम्हारी कन्वर्ट हो जाएगी जनरेटर में, यानी कि मोटर जनरेटर तरह वर्क करने लगेगी। और ये कब होगा, ये होगा जब तुम स्पीड बढ़ा देते हो, जितनी मोटर की स्पीड है उससे ज्यादा तेजी से उस मोटर चलाने लगते हो। और इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब तुम क्या करते हो मैकेनिकल एनर्जी देने लगते हो उसके रोटर के शाफ्ट में। और मैकेनिकल एनर्जी जब देते हो तो ऑब्वियसली बात है, मैंने बता रखा है किसी भी मशीन में जब हम लोग मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और उसको कहते हैं हम लोग जनरेटर, यानी कि इस केस में मोटर जो होगी वो जनरेटर वर्क करने लगेगी। तीसरा केस मैंने देखा कि ऐसे कौन सी कंडीशन है जिसमें मोटर मोटर की तरह वर्क करे और जले भी ना, सेफ ऑपरेशन, तो उसके लिए बैक ईएमएफ की जो वैल्यू वो जीरो से ज्यादा होनी चाहिए और सप्लाई वोल्टेज से कम होनी चाहिए। इसी केस में केवल आपकी मोटर जो है वो जनरेटर की मोटर जो है वो मोटर इतना वर्क करेगी, सेफली वर्क करेगी, विदाउट एनी डिफिकल्टी वर्क करेगी। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। बैक ईएमएफ को मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है, उससे जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स थे, जितने भी रिलेटेड उसके इंपॉर्टेंट स्टफ था, उसको मैंने आपको समझाने की, इजी वर्ड में समझाने की कोशिश की है।
आपने अपना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।